हेलो एवरीवन, मैं राखी आप सबका ओयू क्लास पे स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएससी 101 आपका जो सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, उसके बारे में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है दिसंबर 2023 में। बहुत बार क्या होता है भाई, हमारा जो शेड्यूल है बिजी होता है, जॉब वाले भी बच्चे होते हैं जो एमए कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, और लास्ट में जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ के जाएँ कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, कई बार एटलीस्ट बच्चे पास भी नहीं हो पाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, वो पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो बच्चों को बहुत बार ये भी नहीं पता होता कि एग्ज़ाम किस तरह का आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या। तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे ये वीडियो देख के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा आपके, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शंस आएंगे, आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट यूनिट्स कि आपकी जो टोटल 26 यूनिट्स है उसमें से इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी है, किन यूनिट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिनको आपको पढ़ के ही जाना है, और उन यूनिट्स में से भी मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स बताऊंगी कि भाई ये जो टॉपिक्स है इन टॉपिक्स से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट नोट और डिफरेंशिएट बिटवीन जो है वो कौन से यूनिट्स से आते हैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स कौन से यूनिट से आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में आपका जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो आएगा 100 मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होगी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की, 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे आपको मिलेंगे अटेम्प्ट करने के। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं पेपर में 11 पूछे जाते हैं, कई बार 12 भी आ जाते हैं। ठीक है, 11 या 12 क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 7। अब वो 11 क्वेश्चंस जो है आपके दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जनरली 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, जो दो क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स ईच। ठीक है, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, दैट इज सेक्शन ए आपका हो गया 40 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर 12 क्वेश्चन आएंगे टोटल तो 8 भी आ सकते हैं। ठीक है, उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स ईच आते हैं, दैट इज सेक्शन बी आपका हो गया 60 मार्क्स का, टोटल मार्क्स हो गए 100। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि ऐसा बहुत कम होता है कि फुल फ्लैश 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया या 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपका जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है दो पार्ट में भी डिवाइड होकर आ सकता है, 10-10 मार्क्स का। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 आया, ए बी पार्ट में डिवाइड होकर आ गया। ठीक है, ए पार्ट 10 मार्क्स का, बी पार्ट 10 मार्क्स का। या फिर ऐसा भी हो सकता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर आ जाए, एक बी सेक्शन सॉरी बी पार्ट 5 मार्क्स का और सी पार्ट भी 5 मार्क्स का। या ऐसा भी हो सकता है कि बी पार्ट 6 मार्क्स का और सी पार्ट 4 मार्क्स का। दैट इज़ इंटरनली भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डिवाइड हो सकते हैं पार्ट्स में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं हमारे सब्जेक्ट में, 8, और 8 ब्लॉक्स में कितनी यूनिट है, 16। 16 यूनिट्स में से हम देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट्स हैं। मैंने 15 यूनिट्स बताई आपको जो इंपॉर्टेंट है बहुत, और जो आपको पढ़ के जानी है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ यूनिट्स हैं हमारे पूरे सिलेबस की, तो आपका काम क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, अगर हम इन यूनिट्स पे फोकस करेंगे तो हम अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो यूनिट कौन कौन सी है, 1st, 2nd, 6th, 8th, 10th, 11th, 15th, 16th, 17th, 18th, 20th, 21st, 23rd, 24th, 26th। अब ये जो यूनिट्स हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट जो है हमारी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके थ्योरी के, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। टॉपिक क्या क्या है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल आता है इससे आपका।
कंसेप्ट्स ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, स्लस्की थ्योरम से आपके क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, कंपनसेटेड डिमांड कर्व से आपका क्वेश्चन आता है, उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है, इस यूनिट से भी शॉर्ट नोट भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉलरिसियन और ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, इसे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, उसके बाद एक्सपेंडिचर मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स आते हैं सेम इस टॉपिक से, ड्यूअलिटी प्रॉब्लम, इससे भी आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, थ्योरी भी पूछी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की, प्रोडक्शन फंक्शन जो है उससे भी आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रोडक्शन फंक्शन के, अगेन बता देती हूँ मैं आपको, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं यहाँ से, शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं और थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोपोली, मोनोपोली से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तीनों डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पूछा जाता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, बहुत बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया है, कई बार थ्री टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पूछे गए क्वेश्चन में, या फिर शॉर्ट नोट्स में आपका सिर्फ ये पूछा गया कि फर्स्ट ऑर्डर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताइए, ठीक है, बायलेटरल मोनोपोली भी आपका शॉर्ट नोट्स में आया है, नेचुरल मोनोपोली भी, ठीक है। उसके बाद यूनिट 10 नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरी भी आ सकती है, ठीक है, कॉर्नॉट मॉडल हो गया डिओपोली का, बटलैंड मॉडल हो गया, स्टेकलबर्ग मॉडल हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद कोल्यूसिव ओलिगोपोली, इंट्रोडक्शन, कार्टेल्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। देन सोशल वेलफेयर फंक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका सोशल वेलफेयर फंक्शन से क्वेश्चन आता है, ठीक है, फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम आपकी, सेकंड वेलफेयर थ्योरम, दोनों आपकी वेलफेयर थ्योरम पूछी जाती है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछी जाती है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, तो हमें दोनों थ्योरम पढ़नी है, फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम एंड सेकंड वेलफेयर थ्योरम। उसके बाद इम्परफेक्ट मार्केट एक्सटर्नलिटी और पब्लिक गुड आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स यहाँ से ज़्यादा आते हैं, मार्केट फेलियर से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, पब्लिक गुड से, प्राइवेट गुड से, मेरिट गुड से, कॉस्ट थ्योरम आपकी पूछी जा सकती है, शॉर्ट नोट में भी कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक्सप्लेन करो जो है पब्लिक गुड क्या है, प्राइवेट गुड क्या है, या इनको पब्लिक गुड को मार्केट फेलियर से आप क्या कनेक्ट करके एक्सप्लेन करो, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट 17 सोशल चॉइस एंड वेलफेयर, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कई बार शॉर्ट नोट में भी आ जाते हैं। देन नेक्स्ट इज पार्शियल एंड जर्नल इक्लिबीरियम अप्रोच, प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी हो गई, वॉलरिसियन इक्लिबीरियम हो गया, कॉम्पिटिटिव इक्लिबीरियम एंड पैरेटो एफिशिएंसी, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं, साथ ही साथ आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। देन यूनिट 20 चॉइस ऑफ अनसर्टेन सिचुएशन, ठीक है, लॉटरी से क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आ जाता है बहुत बार, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी से क्वेश्चन आता है। देन यूनिट 21 इंश्योरेंस चॉइस एंड रिस्क, ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी आते हैं यहाँ से, प्लस शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट नोट्स भी आते हैं आपके, प्रॉब्लम क्या है इंश्योरेंस मार्केट में, पूलिंग इक्विलिब्रियम और सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, और शॉर्ट नोट भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है पूलिंग इक्विलिब्रियम क्या है, सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम क्या है, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन करके भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पूलिंग इक्विलिब्रियम एंड सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम। देन एरो पार्ट मेजर ऑफ रिस्क एवर्सन, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन यूनिट 22 इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ से भी शॉर्ट नोट्स आपके पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मोरल हैजार्ड की प्रॉब्लम पूछी जाती है, एडवर्स सिलेक्शन की पूछी जाती है, ठीक है, कई बार दोनों को कंबाइन करके पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की तरह, कई बार शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाते हैं। देन यूनिट 24 सॉल्यूशन कंसेप्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव गेम, गेम थ्योरी का ये टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नैश इक्विलिब्रियम, डोमिनेंस स्ट्रेटर्जी, प्योर स्ट्रेटर्जी एंड मिक्स स्ट्रेटर्जी, ठीक है, इन सभी टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, थ्योरी भी पूछी जाती है कई बार। 26 यूनिट जो है गेम ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स आता है,
ठीक है, और रिपीटेडली आता रहा है, मैक्सिमम टाइम आता है यहाँ से न्यूमेरिकल। तो ये ऐसे टॉपिक्स थे जो हमें करके जाने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको स्पेसिफिकली ये भी बता दिया कि शॉर्ट नोट्स कहाँ से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स कहाँ से पूछे जाते हैं, और हमें क्या ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं कि न्यूमेरिकल है इस तरह से सॉल्व होगा, ऐसा नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स हमें खुद सॉल्व करके देखने हैं, तभी हमें ध्यान रहेगा कि हमें हमने कैसे सॉल्व किया था इसको, क्या कंसेप्ट था, क्या कंसेप्ट यूज़ किया था। अदरवाइज हम भूल जाते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें पता नहीं लगता, क्योंकि होता क्या है कई बार हमने न्यूमेरिकल किसी और तरह का किया है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया पेपर में। अगर हमने कंसेप्ट ही नहीं समझा होगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये न्यूमेरिकल इसमें पूछ क्या रहा है, तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, और हम जो है एमए इकोनॉमिक्स के लिए क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है क्लासेस लेने में तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। अगर आपको टॉपिक समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल जो है ऑयू क्लास उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।